दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रियलमी ने साल 2018 में काफ़ी सारी धमाल मचाया, काफ़ी सारा कमाल किया, काफ़ी अच्छे अच्छे डिवाइस हमको लॉन्च करके दिए, जिनमें हमको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिलती है, बेहतरीन डिस्प्ले मिलती है और बेहतरीन फीचर्स हमको रियलमी के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। हालांकि शाओमी ने भी साल 2018 में काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च किए, जैसा कि रेडमी नोट 5 प्रो। रेडमी नोट 5 प्रो साल 2018 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना शाओमी की तरफ से। अब साल 2019 शुरू हो चुका है और साल 2019 में हमको रियलमी और रेडमी में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें रेडमी नोट 7 के बारे में बात की थी, जिसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है और जिसकी कीमत जो है ना चाइना में लगभग 10,000 रुपये के आसपास है और इंडिया में भी ये फ़ोन जो है 10,000 रुपये के आसपास लॉन्च होना चाहिए। अगर ये फ़ोन इस प्राइस पर लॉन्च होता है तो ये काफ़ी क्लियर प्राइस होगी और इसको कंपटीशन देने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी बचती है, रियलमी। जी हाँ दोस्तों, रियलमी ने भी शाओमी को बहुत ज़्यादा टक्कर दिए। हालांकि बात करें आसुस की, तो आसुस भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन इस समय इंडिया में लॉन्च कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 3 स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें लीक निकल कर ये आ रहे हैं कि इस फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान रियलमी के CEO माधव सेठ ने ये सारी बातें कही हैं। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने लेटेस्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे से कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आखिरकार रियलमी 3 स्मार्टफोन जो है ना वो जल्द ही लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये फ़ोन रियलमी 3 नाम से ही लॉन्च होगा या फिर इस फ़ोन के लिए कोई अलग नाम सेलेक्ट किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रियलमी के CEO माधव सेठ ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारा आगे आने वाला स्मार्टफोन है वो इंडिया में जल्द ही लॉन्च हो जाए। ये फ़ोन मार्च में लॉन्च हो सकता है, मार्च से पहले भी लॉन्च हो सकता है और इस फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर के बारे में उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन हमें जैसा कि मालूम होगा कि रियलमी ज़्यादातर स्मार्टफोन में मीडियाटेक के प्रोसेसर इस्तेमाल करता है, जो मीडियाटेक के लेटेस्ट प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं उनके ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं करता है। तो इस फ़ोन में भी मीडियाटेक हीलियो P90 प्रोसेसर इस्तेमाल हो सकता है रियलमी 3 में। अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है। हालांकि बात करते हैं कीमत की, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि रेडमी नोट 7 लॉन्च हो चुका है, जो काफ़ी कम कीमत में लॉन्च हुआ है और रियलमी भी कोशिश करेगा रेडमी नोट 7 को टक्कर देने की और हो सकता है ये फ़ोन 9,000 रुपये के आसपास की कीमत में लॉन्च हो, क्योंकि रियलमी के फ़ोन रेडमी से सस्ते होते हैं। इसके अलावा बात करें इस फ़ोन के और फीचर्स के बारे में, तो इस फ़ोन में यानी कि रियलमी 3 में आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें पंच होल डिस्प्ले हमको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो इन डिस्प्ले कैमरा होता है वो इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए वाटर ड्रॉप नॉच का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं रियलमी के एक और स्मार्टफोन के बारे में, जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है और इस फ़ोन को भी अप्रैल महीने में लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट में और इस फ़ोन का नाम होगा Realme A1। दोस्तों, Realme A1 के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं और उस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा रियलमी की तरफ से एक खास न्यूज निकल कर आ रही है कि जितने भी रियलमी स्मार्टफोन है, फिर चाहे वो Realme 1 हो, Realme 2 हो, Realme 2 Pro हो और Realme U1 हो, तो इन सभी स्मार्टफोन में हो सकता है अप्रैल महीने तक एंड्रॉयड 9.0 Pie का अपडेट आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा कलर OS 6 का भी अपडेट यानी कि हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की, जैसे कि रियलमी में होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन में हमको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि रियलमी के आने वाले स्मार्टफोन में यानी कि Realme 3 में हमको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए। दोस्तों, ये तो कुछ हमें उम्मीदें हैं रियलमी से और ये सारे अगर अपडेट्स रियलमी दे देता है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग हो गया, USB Type-C हो गया, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हो गया और MediaTek Helio P90 प्रोसेसर हो गया, जो काफ़ी दमदार प्रोसेसर है, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और MediaTek का, तो ये सारे फीचर अगर हमको इस आने वाले फ़ोन में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाले हैं रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और रियलमी के आने वाले स्मार्टफोन के बारे में भी आप हमसे लगातार अपडेट ले सकते हैं, इसके लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।